गोरखपुर के मोहम्मदपुर में पागल हाथी ने दो महिलाओं को रौंदा, दोनों महिलाओं की मौके पर हुई मौत। मोहम्मदपुर माफी गांव के ने प्रधान ने दी जानकारी। रामनगर में पश्चिमी वन जोन के जंगल में आया घायल बाघ का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों ने बनाया वीडियो, अधिकारियों में मचा हड़कंप, घायल बाघ को चलते में हो रही थी परेशानी। हरदोई के अरवल में ऑनर किलिंग की वारदात का खुलासा, मृतका के चचेरे ताऊ ने चाचा और उसके सगे भाई के साथ मिलकर की थी हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, सरसों के खेत से मिला था किशोरी का शव। देहरादून के विकास नगर में पति ने अपनी प्रेमी और उसके साथी के साथ पति की हत्या कर दी, पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया हादसा, शव और बाइक को खाई में फेंका, सभी आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री पहुंचे, मेडिकल कॉलेज महिला एवं पुरुष विंग में किया स्थानीय निरीक्षण, मरीजों से जाना उनका हालचाल और व्यवस्था का हाल। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग, अग्निकांड के आरोपियों के खिलाफ की नारेबाजी, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मदरसों पर दिए गए बयान पर सपा नेता एसपी हसन ने साधा निशाना, कहा उनका बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए दिया गया है। मथुरा पुलिस ने किया एक अंतर्राज्य चोर गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया, चोरों ने 10 फरवरी को 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कानपुर अग्निकांड को लेकर कानपुर देहात पहुंचा सपा का एक प्रतिनिधिमंडल, कानपुर देहात के मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। छतरपुर के बागेश्वर धाम में फिरोजाबाद की महिला नीलम की मौत हो गई, महिला के पति ने पुलिस को पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया, कहा पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से मिलने नहीं दिया। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बयान दिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के विभाग संयोजक राव मुशरफ अली ने दिया तीखा प्रहार किया, कहा ओम सर्वोपरि है, इसकी किसी से भी तुलना नहीं हो सकती। अंबेडकर नगर में युवक की मौत के बाद परिजनों का अंतिम संस्कार करने से इनकार, आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी की मांग पर आए परिजन, साथ ही साथ कहा गिरफ्तारी के बाद ही करेंगे अंतिम संस्कार। कानपुर में खून से सनी उर्दू में लिखी चिट्ठी लेकर पहुंचा कबूतर, गांव में खूनी खाद को लेकर मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने कबूतर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे विवादित पोस्टर पर भड़के संघ, पोस्टर में रामचरितमानस से विवादित चौपाई हटाने और मानस बैन करने की मांग, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। कानपुर देहात के मोडाली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की मौत के बाद पीड़ित परिवार से सपा प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात, कहा पीड़ितों के साथ खड़ी है सपा, गरीब के घर को गिराना उचित नहीं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप में लगातार दूसरा मैच जीता, वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया, अग्रक रहने वाली दीप्ति शर्मा बनी मैन ऑफ द मैच, परिवार में खुशी का माहौल। भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों पर हुए हमले के मामले में एक वीडियो सामने आया, पृथ्वी शॉ पर सपना गिल ने मारपीट का आरोप लगाया, इस मामले को लेकर ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। बीजेपी संगठन में बदलाव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किए संकेत, इसी महीने के आखिरी में संगठन का पुनर्गठन होने के आसार। भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता, श्रावस्ती में निकालेंगे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल भी यात्रा में होंगे शामिल। इटावा में निजी स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे रामगोपाल यादव, कहा शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बोले योगी के कहने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, देश सबका है। आयुष कॉलेजों की मान्यता के मामले में फंसे पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, यूजी और पीजी की मान्यता के लिए 1,60,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप, एसटीएफ की चार्जशीट में रिश्वत लेने का खुलासा। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का नया आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भाजपा सरकार मेरी हत्या करना चाहती है, धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी एक साथ कर रही छापेमारी, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फरुखाबाद में छापेमारी, स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ईडी कर रही छापेमारी।
बांदा के बलखंडी नाला इलाके में मस्जिद निर्माण पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य को बताया वैध। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगवाया। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछला वर्ग आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा कर लिया। इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटक कर युवक ने स्टंट किया। बाइक सवारों ने जमकर तांडव मचाया। देहात थाना क्षेत्र के केलसा रोड का मामला। गाजियाबाद की कोर्ट परिसर में तेंदुए का खौफ। एहतियातन कोर्ट को किया गया बंद। सीसीटीवी में एक जानवर की तस्वीर हुई कैद। सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ा। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा। पीड़ित को मनाने में जुटे इंस्पेक्टर। लखनऊ में घुसखोर बिजली कर्मियों की दबंगई आई सामने। बिजली कर्मियों ने मां बेटे सहित तीन लोगों को उपकेंद्र में जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो आया सामने। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर इटावा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। कचहरी परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले एसडीएम से लेकर डीएम सभी अग्निकांड में शामिल। फीस बढ़ोतरी को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर और पुलिस कर्मियों में झड़प भी हुई और नोकझोंक हुई। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कहा अगर उस नहीं रोका तो जारी रहेगी भूख हड़ताल। और यह कि प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते वक्त हादसा। सिलेंडर लगाते ही सिलेंडर में लगी आग। खाना बना रही महिला बाल बाल बची। बरिया गांव के प्राइमरी स्कूल की घटना। नौ में रोडवेज बस ने खड़े डंपर में जोरदार टक्कर मार दी। ड्राइवर समेत 25 सवारियों की घायल हो गई है। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। हरदोई में बघौली थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। भतीजे को परीक्षा दिलाने जा रहे चाचा की मौत। बीकापुर बोर्ड के पास आमने सामने टकराई दो बाइक। सुल्तानपुर में दो मालगाड़ियों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया। करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। लखनऊ वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज ट्रैक बंद। अमरोहा के गजौला में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। नेशनल हाईवे वन वे होने के कारण लगे जाम से लोगों को रही परेशानी। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर। 5 की मौत, 6 से अधिक घायल। शादी समारोह से वापस लौटते समय हादसा हुआ। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। पलटने के बाद ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बस्ती में चमन वाटिका के पास कार में आग लगने से सड़कम मच गया। कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी कार। कार सवारों ने कूद कर अपनी जान बचाई। औरैया में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख। अछरदा इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। देहरादून में पुलिस लाइन के सामने गद्दे की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग में जलकर सारा सामान राख हो गया। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आए तेंदुए की मौत। बनवा की टीम ने शव को कब्जे में लिया। मारकुंडी घाट की पूरी घटना। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।